संजू के ढाबे में आपका स्वागत है। इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर हर पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। संजू के ढाबे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आकांक्षा आपको बनाना सिखाऊंगी कुकुम्बर रायता, जिसे हम खीरे का रायता भी कहते हैं। इस रायते की खास बात यह है कि ये हमारे गर्मी के मौसम में हमारे पेट को ठंडा रखता है और हमें लू नहीं लगने देता। तो चलिए बनाते हैं खीरे का रायता। खीरे का रायता बनाने के लिए हम लेंगे एक खीरा जिसे हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, एक कटोरी दही, नमक, काली नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा और पुदीने के पत्ते जिन्हें हमने सुखा के पीस लिया है, साथ ही आधा ग्लास पानी। हमने लिए एक बाउल। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ खीरा। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार काली मिर्च, स्वाद अनुसार काला नमक, स्वाद अनुसार लाल मिर्च भुना हुआ जीरा एक चम्मच, पुदीने के पत्ते जिन्हें हमने पीस लिया था वो, और अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें इसको ठंडा सर्व करना तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। हमारा कुकुम्बर रायता बनके तैयार है, तो चलिए इसे पीते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आज आपने सीखा खीरे का रायता बनाना। अब उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो संजू द ढाबा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली बार नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।